नेक्स्ट जो टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज का दूसरा नाम मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए क्योंकि इसमें जो लेंथ ऑफ वायर हम यूज करते हैं या इसकी जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। पर इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका आंसर दूंगा। तो ये है क्या चीज़, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है पर लैब में जाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता आपको पूरा, ये स्लाइड वायर ब्रिज 1 मीटर लंबा दिखेगा। ये मीटर लैब में रखा जाता है तो इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको प्लस टू में करवाया जाता है। तो इसमें है क्या, इसके अंदर इस पॉइंट को समझते हैं कि सबसे पहले इसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं। पहली रेजिस्टेंस क्या है, आर, दूसरी क्या है एक्स, तीसरी क्या है ये वायर है पूरी की पूरी वायर है, तीसरी क्या है मान लो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस है पी और इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस है क्यू, तो कुल मिला के 4 रेजिस्टेंसेस हैं। इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है इसको समझने के लिए ये समझो कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर ही अंदर वायर जा रही है, ये सब वायर से कनेक्टेड है पूरा पोर्शन ऐसे, ये देखो ये अंदर ही अंदर वायर से कनेक्टेड है पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, तो अगर ये पॉइंट ए है तो लो ये पॉइंट ए है, ए किसके साथ कनेक्टेड है फर्दर आर के साथ कनेक्टेड है, ये देखो ए आर के साथ कनेक्टेड है और फर्दर ये कहां पर आ रहा है डी पॉइंट तक टच कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या है डी पॉइंट है। तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस क्या लगी हुई है आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट डी फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है सी के साथ कनेक्टेड है, तो डी किसके साथ कनेक्टेड है सी के साथ कनेक्टेड है और ये पॉइंट क्या है एक्स। तो आप चेक करो डी सी के साथ कनेक्टेड है और ये रेजिस्टेंस क्या लगी हुई है इसमें एक्स। नेक्स्ट है आगे ए और एक और चीज, ये जो डी है डी एंड इस यहां तक ये जंक्शन है पी का जंक्शन है क्या लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो चेक करो ए और बी में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है पी, ए और बी में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है पी, बी और सी में, बी और सी में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है क्यू, क्यू और डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में क्या लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। तो आप चेक करो देखने में चाहे जैसा भी है पर एक्चुअल में जो कनेक्शन बना रखे हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज से ही बने हुए हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो फिर से देखो ए और डी के बीच में आर, डी और सी के बीच में एक्स, ए और बी के बीच में पी और बी और सी के बीच में क्यू और फर्दर डी और बी के बीच में कितना जी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज बात एक ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशियोज ऐसे लेते हैं आर बाई एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू अगर ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। मीटर ब्रिज में भी एग्जैक्टली ऐसे ही लेते हैं आर बाई एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू अगर ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए जीरो हो जाए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, काम ही ऐसे करता है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको यहां पर फिट कर देते हैं। ये मेरी नोन रेजिस्टेंस है, हमें कुल मिला के कितनी रेजिस्टेंसेस चाहिए होती हैं 4, एक अननोन है 3 नोन है। तो हम क्या करते हैं ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये वायर का ये जो पॉइंटर दिख रहा है ये वाला, ये इस मीटर ब्रिज की वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इसको स्लाइडर बोलते हैं या इसको जॉकी बोलते हैं। तो ये जॉकी मूव कर सकती है इसके ऊपर। अब सोचो जब ये जॉकी मूव करेगी तो जैसे ये यहां से यहां मूव कर गई तो ये लेंथ कितनी है वायर की L, तो ये लेंथ L है तो फिर बची हुई वायर कितनी होगी 100 माइनस L। तो कहने का मतलब कि अगर ये लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ पोर्शन वायर का कितना है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो बची हुई लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब आप जब इस जॉकी को मूव करते हो लेफ्ट और राइट तो आप इसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो, तो जब आप इसकी लेंथ को छोटा करते हो तो जो रेजिस्टेंस है इस वायर की पी वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पी क्या होगा रो एल बाई ए। तो जब लेंथ छोटी हो जाएगी तो पी की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, लेकिन पी जब छोटा होगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो क्यू उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि जब आप इस जॉकी को मूव कर रहे हैं तो लेंथ चेंज हो रही है पी और क्यू की, लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंसेस चेंज हो रही है पी और क्यू की।
तो अब जो हम कह रहे थे ना कि हम कैसे चेंज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस पी की क्यू की, कुछ भी नहीं करना, आपने तो जॉकी मूव करनी, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। आपने जॉकी को मूव करवाना है, आपने जब जॉकी को मूव करवाना है एक ऐसा पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या जाएगी, जीरो, वहीं छोड़ दें, इसका मतलब ब्रिज क्या हो चुका है, बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो यानी कि डी का और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, जीरो, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई, जीरो। और जब ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो मैं रेशियो लगा सकता हूं, बोलो क्या, आर अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस वो प्रैक्टिकल नहीं था, उसमें पी क्यू आर को चेंज करना बहुत इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबली कहूंगा मैं, लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज में कुछ भी नहीं करना, जॉकी को मूव करके पी और क्यू चेंज के ब्रिज को एक सेकंड में बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ब्रिज को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जॉकी को मूव किया एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ द वायर, ताकि एट विच गैल्वेनोमीटर शोज, यहां पे नो कर लेना, नो डिफ्लेक्शन, हम जॉकी को मूव करते हैं सच दैट एक ऐसे पॉइंट पे रोक लेते हैं जहां गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो ऐसे केस में हम ब्रिज को क्या बोलते हैं, क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो मान लो ये वो पोजीशन है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, जीरो। तो आपने ये स्केल लगा होता है इसके ऊपर एक 100 सेंटीमीटर का, आपने लैब में जाके इस लेंथ को मेजर कर लेना कितने सेंटीमीटर पे ऐसा हुआ। इस एल को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, कि जब ब्रिज बैलेंस हुआ इस लेंथ को क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। तो एल इज द बैलेंसिंग लेंथ, तो एल लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस कितनी है, पी। तो बची हुई लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, और उस पोर्शन की रेजिस्टेंस कितनी है, क्यू। तो एल पोर्शन की रेजिस्टेंस पी है, 100 माइनस एल पोर्शन की रेजिस्टेंस क्यू है, क्योंकि और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और वायर की रेजिस्टिविटी रो है। तो अगर मैं पूछूं कि पी की वैल्यू बोलो कितनी है, पी की लेंथ कितनी है, एल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए। तो पी इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और सेकेंड केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस कितनी है, क्यू, लेकिन लेंथ कितनी है, 100 माइनस एल, तो रो इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये पॉइंट क्लियर है, पी भी आ गया, क्यू भी आ गया। अगर आप इन्हें दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास क्यू और पी डिवाइड करके रेशियो आ जाएगी। तो ये रेशियो आ गई, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे रो ए दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आपके पास ये रेशियो आ गई। पर क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, और मैंने क्या सिखाया, जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो आर बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये देखो, तो ब्रिज बैलेंस्ड है, आर बाय एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, पी बाय क्यू की रेशियो यहां से उल्टा करके निकाल लेना, या ऐसा करो अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो एक्स को एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और क्यू बाय पी की रेशियो हम निकाल चुके हैं, यहां से एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, बस आपको ब्रिज को क्या करना होता है, बैलेंस, और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी होती है। तो जैसे जब आप इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, आप x का फॉर्मूला याद ना करें, आप ऐसा करें कि यहां पर जब ये ब्रिज, और वैसे भी मीटर ब्रिज काम कब करेगा, जब ये बैलेंस स्टेट में होगा, ताकि आप रेशियो ले सकें, जब ये क्वेश्चन आएगा तो जैसे r डिवाइडेड बाय x क्या करते हैं, p डिवाइडेड बाय q करते हैं ना, आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं p लेंथ के प्रोपोर्शनल है और क्यू भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो सीधा आंसर लगा देना, आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। तो जैसे मान लो एल की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, और इसकी कितने सेंटीमीटर आ गई, 60 सेंटीमीटर, तो रेशियो बोलो क्या बनेगी, ब्रिज बैलेंस करने के बाद आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना, 40 डिवाइडेड बाय 60। तो इस रेशियो से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। इसके अंदर दो चीजें और याद रखनी है, इसको मैं करके दिखाता हूं यूज कैसे करना है। पहली चीज, इसका नोट है, मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे जब आप यहां पर रेजिस्टेंसेस लगाएंगे, जैसे मान लो आपने यहां पर आर की जगह जो वैल्यू लगाई रेजिस्टेंस की, वो 10 ओम लगाई, वो 10 ओम लगाई, और आपने मान लो आपका एक्स जो निकालना था वो भी बाई चांस 10 ओम ही था, तो कोई मुझे बताएगा बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी इसमें, एल 50 50 50, क्यों, क्योंकि आर डिवाइडेड बाय एक्स इज एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। अब आर तो 10 है, एक्स भी 10 है, ये रेशियो क्या आ गई, 1। तो इसको जब 1 के इक्वल करोगे तो एल सॉल्व करो कितना आएगा, 50।
तो इसका मतलब जब दोनों रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर की हैं तो चौकी कहां पर मिलेगी आपको, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मिलेगी। क्लियर है यहां तक? जिस पोर्शन की लेंथ छोटी है, एल छोटा है, 100 माइनस एल बड़ा है, राइट? मान लो एल अब छोटा हो गया और 100 माइनस एल बड़ा हो गया, अगर मान लो, तो जब लेंथ छोटी है तो उस पोर्शन की रेजिस्टेंस भी छोटी है। जिसकी लेंथ बड़ी है, जिस पोर्शन की लेंथ बड़ी है, उसकी रेजिस्टेंस भी बड़ी है। अब प्रॉब्लम समझो क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपकी जो रेजिस्टेंस है एक, वो 1000 ओम है। इमेजिन करो, बहुत बड़ी ले ली मैंने, इमेजिनरी 1000 ओम है, तो आर की वैल्यू 1000 ओम है, और मान लो एक्स की वैल्यू जो निकालनी है मुझे, मान लो सिर्फ 1 ओम है। अब रेशियो देखो कितनी खतरनाक होगी, एक तरफ से 1000 ओम है, एक तरफ से 1 ओम है। तो जॉकी क्या करेगी, जहां 1 ओम है वहां तो बिल्कुल कोने में जाके लग जाएगी, छोटी सी लेंथ, इतनी छोटी कि आप लैब में मेजर भी नहीं कर पाओगे उस लेंथ को। रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो गई और एक तरफ से बहुत बड़ी हो गई। तो आप ऐसा अगर करेंगे कि एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी लेंगे, एक छोटी लेंगे, तो आपकी जॉकी मिड पॉइंट के आसपास रहेगी नहीं, बिल्कुल कोने में जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक बहुत बड़ी और एक छोटी रेजिस्टेंस लेते हैं, जो छोटी रेजिस्टेंस है मान लो सिर्फ 1 ओम की रह गई, आगे फर्दर प्रॉब्लम ये है कि जो वायर होती है ना पोटेंशियल, इसकी स्लाइड वायर ब्रिज की जो वायर है वो कहीं लपेट रखी होती होगी, जैसे गिटार की स्ट्रिंग लपेटते नहीं एंड में टाइट करते हैं। अब जो लपेटने वाली लेंथ है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ली नहीं हमने, बस 100 सेंटीमीटर ऐसे ली हमने, वो तो लिया ही नहीं। और जिसके ऊपर बांधा कॉपर की स्ट्रिप होती है वो भी, उसकी भी रेजिस्टेंस ली नहीं, तो हमने कुछ चीजों को निगलेक्ट भी किया है इसमें। अब मान लो आपकी एक तरफ की रेजिस्टेंस सिर्फ 0.5 ओम है, आर की वैल्यू 0.5 ओम है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस तो कॉपर की स्ट्रिप्स की बन जाएगी 0.5 ओम से, जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो। मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हो 0.5 ओम के साथ, और 0.5 ओम से ज्यादा तो आपने निगलेक्ट भी कर दिया, तो रिजल्ट कहां से सही आएगा? इसका मतलब कि रेजिस्टेंसेस बहुत छोटी या बहुत बड़ी इसमें काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी जॉकी या तो बिल्कुल लेफ्ट या राइट चली जाएगी। और आप अगर बहुत छोटी रेजिस्टेंस लेंगे तो कॉपर की और जो कॉर्नर की जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस आप निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या मेंशन कर रहे हैं, इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि मीटर ब्रिज जो सेंसिटिव है बढ़िया काम करेगा व्हेन रेजिस्टेंसेज आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब अगर आर की वैल्यू 3 ओम है तो एक्स की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 3 ओम के आसपास से अगर रहेगी, जॉकी मिड पॉइंट के आसपास रहेगी, तो एक बढ़िया रिजल्ट देगी आपको। इट इज यूज फॉर मेजरिंग मॉडरेट रेजिस्टेंसेज, ना टू हाई ना टू लो। वाइल मेजरिंग टू लो रेजिस्टेंस, क्या प्रॉब्लम है, बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स एंड कनेक्टिंग वायर्स बिकम्स कंपेरेबल। अगर भाई बहुत छोटी रेजिस्टेंस ले लेंगे तो कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस उससे ज्यादा हो जाएगी, जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो उसमें अननोन रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगलेक्ट। जो अननोन रेजिस्टेंस मतलब आप निगलेक्ट करो, निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसमें। नेक्स्ट है मटीरियल यूज फॉर वायर, जो वायर बनी होती है इस मीटर ब्रिज की वो खास मटीरियल की बनी होती है। पूछा जाता है एनसीईआरटी में किन दो या किन किसी भी मटेरियल का नाम लो जिससे कि वायर बनी हुई है, तो दो मटेरियल्स हैं मैगानिन और दूसरी कॉन्स्टेंटन, बिकॉज दे हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, इसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरेबल हो। रो काफी बड़ा होता है, रो बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा, मतलब थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो ये आपको पॉइंट्स इसमें याद करने हैं। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को डाउट? यस कि नो? अब बोल सकते हैं?